अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं उड़द की दाल की कचौरी। इसके लिए मैंने उड़द की दाल को तेज़पत्ता, हरी मिर्च और अदरक के साथ थोड़ा सा नमक डालकर उबाल लिया है। अगर हमने एक कप दाल ली है तो एक ही कप पानी लेकर 3 सीटी दे ली है तो हमारी ये दाल सूखी सूखी खड़ी तैयार हो जाएगी। इसके साथ ही इसमें 1/2 टीस्पून पिसी खटाई, आमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून हींग, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून काला नमक, ब्लैक सॉल्ट, क्योंकि हमने दाल उबालते में सफ़ेद नमक डाला था इसलिए इसमें काला नमक डाल रहे हैं, इससे टैंगी टेस्ट आ जाएगा। इसके साथ ही 1/4 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून कोरिएंडर सीड्स, धनिया साबुत, 1/2 टीस्पून सौंफ, फेनल सीड्स, इनको हम तवे पे रोस्ट कर क्रश करके डालेंगे। पैन में हमने 1 टीस्पून ऑयल गरम कर लिया है। पहले हम इसमें हींग डालेंगे, फिर अजवाइन डालेंगे, फिर ये दाल डाल देंगे बॉयल। इसको फ्राई करेंगे। इसके साथ इसमें ये सारे मसाले, ये धनिया, जीरा और सौंफ कुटी हुई, नमक, हल्दी, मिर्च, आमचूर, इसको तवे पर 5 मिनट रोस्ट करेंगे। बिल्कुल दाल सूखी ड्राई हो जानी चाहिए। ज़रा सी नमी ना रहे दाल में। दाल को भूनते भी जाएंगे, साथ साथ क्रश भी करते जाएंगे। वैसे पूरी गली भी है, क्रश करना आसान हो जाएगा। आप मैशर से भी इसे क्रश कर सकते हैं। दाल हमारी मैश भी हो गई है और सूख भी गई है। अब हम इसको निकाल कर ठंडा करने रख देंगे। कचौरी का आटा बनाने के लिए हमने 2 कप मैदा ले लिया, उसके साथ ही 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1 बड़ा चम्मच तेल, 1/4 टीस्पून थोड़ा सा और तेल डालेंगे। ऐसा आटा हो जाए मोयन तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंदेंगे। वन फोर्थ टी स्पून इसमें सोडा डालेंगे और इसको अच्छी तरह से गूंद देंगे। हमें हार्ड डो रखना है, आटा हार्ड रखना है, सॉफ्ट नहीं। इतना हार्ड डो रखना है हमें और इसको अब 10 मिनट रेस्ट करने देंगे। ये हमने इस पे ऑयल का हाथ लगा कर इसको एक बार और नीट कर लेंगे।
इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। पेड़े बना के भी 10 मिनट रखना है। इतने बड़े बड़े पेड़े बनाए। पेड़े बने हुए 10 मिनट हो गए। अब इनको हम इस तरह से किनारे पतले कर कर पूरी की तरह बढ़ाते जाएंगे। आप चाहें तो ब्रेडर पर भी या बेलन से भी बेल सकते हैं। पूरी हमने इसे छोटी सी पूरी बना ली। अब हम इस पर फिलिंग रखेंगे। फिलिंग रखकर सब तरफ से रैप करेंगे। अगर ये आपका ज़्यादा हो तो इसे ऐसे करके निकाल दें। मेरा ज़्यादा नहीं है, इसको बढ़ा लें। अब इसको गरम तेल में फ्राई करेंगे। पहले सब बना लें ऐसे। वन टी स्पून के करीब हम रख रहे हैं इसमें फिलिंग। हर तरफ से इसको फोल्ड करते जाएं। अब इसको गरम तेल में फ्राई करेंगे। ये सब हमने बना लिए। इधर हमने गरम को तेल को गरम कर लिया हाई हीट पर, लेकिन डालकर हम इसको बिल्कुल लो हीट पे कर देंगे। हीट को बिल्कुल लो पे इसे सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। 5 मिनट बाद इनको पलटेंगे। हल्का हल्का सुनहरा हो गए हैं एक तरफ से। ये देखिए ऐसे फूले फूले होंगे। तल के देखिए इनको निकाल लिया, दूसरों को डाल दिया। बिल्कुल लो हीट पर सेक रहे हैं। कचौरी हमारी तैयार है। इसको हरी चटनी के साथ सर्व किया।